watching this video. मैं आज हमें एक प्लेट बॉक्स प्लेट्स वाला जो टॉप होता है वो बन उसका ड्राफ्ट समझा रही हूँ और उसकी स्टिचिंग करके मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हम पहले इसका ड्राफ्ट समझते हैं। ये जो ड्राफ्ट है यहाँ पे पहले हम यहाँ से ये एक एक्स्ट्रा लाइन लेंगे, इतना हमें चौड़ी जितनी भी आपको चौड़ी पट्टी चाहिए, जितने भी एक्स्ट्रा आपको जिसको प्लेट्स बनानी है जितनी भी आप उतनी ही लाइन लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की लाइन ली है, तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। अगर बड़ों का बना रहे हैं तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। पहले हम यहाँ पे एक लेंथ लेंगे और यहाँ से ये जो हमारी है ये लेंथ है। यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी लेंथ होती है शोल्डर से नीचे, वेस्ट से नीचे आप जितना भी आप लेंथ लेनी है वो आप इसमें ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ पे जो हमारी लेयर बनेगी फोल्ड की वो हमारी यहाँ पे फोल्ड आएगा। और यहाँ पे हमने ये कैपिंग लिया मैंने 2.5 इंच के लिए। तो यहाँ पे पहले हम ये शोल्डर लेते हैं, शोल्डर हम यहाँ से लेना, इस लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे ये मेरा मेजरमेंट 11 इंच है, तो यहाँ पे मैं शोल्डर इसका हाफ लूँगी, 11 का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच ये लेना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये जो मेरे आर्म होल है ये आर्म होल बना रखा है मैंने, ये आर्म होल मेरा 10 का है, 10 इंच है, तो मैंने 5 इंच लिया है यहाँ पे। दिस इज द पॉइंट ऑफ 5 इंच। नाउ वी टेक द बस्ट, तो जो हमारी बस्ट है वो 26 इंच है, तो 26 का जो होगा हमारा इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पे हमें 6.5 इंच मिलेगा। तो यहाँ से हम जो आर्म होल लेंथ लिए उसके बाद यहीं से हम अपने यहाँ से 6.5 इंच यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर हम अपने वेस्ट लेंगे, वेस्ट भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पे हमें 6 इंच आता है। तो ये हमारे यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 इंच मेरा है, 6 इंच ले लिया। अब यहाँ पे हम 1 इंच का यहाँ से और 1 इंच का यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। ये एक्स्ट्रा जो है हमारा ये स्विंग अलाउंस है, स्विंग अलाउंस है ये मेरा। ये हमने ऊपर पहले हमें जब मेजर लेना ये लेना है, फिर बाद में हम ये और ये जो हमें नेक विड्थ चाहिए इसको लेंगे। तो यहाँ पे हम जितना भी हमने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 इंच का हाफ पॉइंट जो है वो लेंगे। तो 5 इंच का हाफ पॉइंट लेके हम वहाँ से, तो यहाँ से हमारा 5 इंच का पॉइंट है ये, तो यहाँ से हम इसे एक आर्म होल यहाँ पे गोलाई दे देंगे। और फिर इतनी ही हम ये हमारी बैक, जो हमारा बैक पीस होगा उसकी आर्म होल की लेंथ है, और ये फ्रंट की होगी, फ्रंट के हम 1/2 इंच अंदर लेते हैं, तो 1/2 इंच अंदर मैंने इसकी ये फ्रंट के पार्ट की गोलाई है। इसी तरह हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, और मैं ये जो है फर्स्ट वी टेक 3 इंच फॉर फ्रंट नेक एंड 1.5 इंच फॉर बैक नेक के लिए है मैंने लेंथ। तो यहाँ से ये मेरी फ्रंट की है और ये मेरे बैक नेक की है, ये जो नेक है ये बैक नेक है, ये मेरा ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे 1/2 इंच का हम थोड़ा नीचे ले लेंगे, और शोल्डर थोड़े हमारे झुके होते हैं तो हम इसे भी 1/2 इंच नीचे ले जाएंगे लाइन को। अब जब हम ये हमारा ड्राफ्ट बन गया है, तो जब हम कटिंग करके इस ड्राफ्ट को इसके ड्राफ्ट की तरह करेंगे, हम पहले हम जब अपना जो मटेरियल है वो कट करेंगे, तो पहले हम बैक से कट करेंगे।
बैक से कट करेंगे। तो पहले हम बैक पे बैक लाइंस जो है उसे कट करेंगे। ये मेरा बैक पीस कट हो गया। जब हम मटेरियल पे इसे कट करेंगे तो ऐसे हम अपना बैक पीस कट कर देंगे। तो बैक पीस कट होने के बाद हम जब हमारा बैक पीस कट हो जाएगा उसके बाद हम इसी ड्राफ्ट को लेकर हम फ्रंट अपने फ्रंट पीस के लिए कट करेंगे। तो ऐसे ही हम जो हमने फ्रंट लाइन ली है इस पर इनको फ्रंट लाइन को कट कर देंगे। हमें सिर्फ बैक नेक नेक्स का और आर्म होल का ही बैक और फ्रंट अलग अलग लेना होता है, अदरवाइज सेम होता है, ऑल ओवर सेम होता है। तो ये हमारा कट हो गया है। तो ये हमारे फ्रंट पीस के लिए कट हो गया है। तो आप ऐसे ही फ्रंट पीस अपना कट कर लेंगे। जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो प्लेट्स आपको इस तरह चाहिए तो आप इस तरह ले सकते हैं। इस लाइन को जो लिए इसको हम इसके ऊपर ले आएंगे सब, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा है तो हम इसको इस लाइन से सब पीस जो हमारे ये ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा पेपर में डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे हमारी ये प्लेट्स बन जाएगी। प्लेट्स हमारी बन जाएगी। ये मैंने बैक में दिया है और यही मैंने फ्रंट में प्लेट्स देके जो टॉप बनाऊंगी वो फ्रंट और बैक में दोनों मिलेंगे। तो हमने इसी एक ही पेपर से हम फ्रंट और बैक दोनों ही कट कर सकते हैं एक ही ड्राफ्ट से। बस हमें ध्यान रखना है पहले बैक कट करना है फिर फ्रंट करना है हमें कट। तो आइए हम इसको कट करते हैं। मटेरियल जो है लाइनिंग टॉप के नेट का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, तो उसके नीचे मुझे थोड़ा सा लाइनिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैंने इस पे ड्राफ्ट ड्रॉ करके मैंने इसे कट कर दिया है। अब मैं इसमें मार्क बना दूँगी मैं जहाँ पर मुझे स्टिचिंग करनी है जहाँ तक करनी है। अब ये नेट का पीस है इसे भी कट कर लेते हैं। वही फोर लेयर बनानी है इसमें फिर कट करना है। इससे क्या होगा एक साथ ही पीस कट हो जाते हैं, अलग से फ्रंट और बैक करना नहीं होता, बस नेक और जो आर्म होल है उसको ही मुझे एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा जब ये पीस कट हो जाएंगे मेरे फ्रंट और बैक। यहाँ पे नेक के पहले बैक पीस के अकॉर्डिंग रखती हूँ मैं। बैक पीस हो गया है मेरा, अब मैं फ्रंट करूँगी फ्रंट पीस। तो ये जो फोर लेयर मैंने बैक पीस का अलग कर दिया है, अब इसमें मैं फ्रंट नेक और आर्म होल कट करूँगी। बाकी मेरा सेम एज ए बैक एज ए कट होगा। तो ये मैं यहाँ पे अपना फ्रंट पीस का ड्राफ्ट जो है ड्रॉ की कट किया हुआ है लाइनिंग उसे लेंगे और आर्म होल और जो नेक है वो कट कर देंगे। ये मेरा जो है लाइनिंग कट हो गई है। अब ये मैंने 1 इंच की जो है विद चौड़ी मैंने इसमें एक स्ट्रिप कट कर ली है। इससे मैं एक तो लाइन आराम से डल जाएगी मेरी 1 इंच की गैपिंग पे और ऊपर मैंने कट्स भी इसी के थ्रू कट्स दे दिया 1 इंच की गैपिंग पे। मैं इसमें जो है नेट का फैब्रिक जो लाइनिंग का फैब्रिक है उन्हें एक साथ ही रख के करूँगी जॉइंट प्लेट्स बनाऊँगी। ऐसे मैं इसे रख दूँगी। अब यहाँ से
सेट करने के बाद यहाँ से मैं ये 1 इंच की जो है स्ट्रिप, इसे मैं लाइनिंग दूंगी क्योंकि मुझे इसे नीचे तक इसमें प्लेट्स बनानी है, तो मुझे बीच में उठाने में भी आसानी रहेगी। इस तरह इजीली भी होती है प्लेट्स बनानी। मैं सभी में ऐसे लाइनिंग दे दूंगी 1-1 इंच की गैपिंग पे। यहाँ पे ये गैप हो गया है। अब प्लेट्स बनाती हूँ मैं। नेट का फैब्रिक है, थोड़े प्रॉब्लम होती है सेट करने में, इसे मैं ऐसे सेट कर देती हूँ और फिर 1 इंच के गैपिंग पे प्लेट्स बनाऊँगी। अगर मैं इस प्लेट्स को ऐसे उठाती हूँ तो बॉक्स मेरे नीचे बनते हैं, लेकिन मुझे बॉक्स जो बॉक्स टाइप में प्लेट्स होती है वो ऊपर की साइड बनानी है, तो मैं मिडल पॉइंट से उठा के लेफ़्ट साइड की तरफ फोल्ड कर देती हूँ, जिससे कि मेरी बॉक्स से मेरे इसमें अपसाइड होंगे, ऊपर की साइड बनेंगे। और ये जो 1 इंच की कटिंग है वहाँ से मैं दूसरी 1 इंच की कटिंग है इससे अटैच करके ये मेरे पूरा एक बॉक्स जो है वो बन गया है। यहाँ पे हो गया ये। सेकंड लूँगी, जितनी आपकी प्लेट्स उसमें बन सकती है आप उतने ही बनाएंगे, जितना एक्स्ट्रा लिया है। और साथ में पिनअप कर देती हूँ। इससे क्या होगा, पिनअप करने से ये जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो इजीली ही स्टिच हो जाएगा, उस टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है, और परफेक्ट ही जब ही होगा जब हम एक बारी कच्चा या पिनअप करके करें। ऐसे बाकी जितने मेरे बनेंगे बॉक्स, इसमें मेरी 4 बॉक्स प्लेटेड बनेंगी, तो इसे मैं अपने 4 बना लेते हैं। ये स्ट्रिप से मुझे थोड़ा इजीली भी हो जाता है, थोड़ा सा कट्स इधर उधर, लाइनिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है जब करती हूँ, तो स्ट्रिप के हेल्प से मैं इसे कम्प्लीटली कर लेती हूँ। हाँ, कि मुझे यहाँ से ही उठानी है। ये 4 बॉक्सेस मेरी जो है बन गई हैं, ये मेरी 4 बॉक्सेस कम्प्लीट है। जो भी जितनी मुझे चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी उतनी कर दी। और ये मेरी बैक में भी मैंने प्लेट्स बना, ये मैंने यहाँ पे एक स्टिचिंग लाइन दे दी है और एक नीचे दे दी है 1 इंच के गैपिंग पे। और ये मेरा बैक है, बैक पीस भी मैंने थोड़ा सा कट करके प्लेट दिया उसमें। अब मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी, ऐसे शोल्डर जॉइंट करनी है। ये मेरा हो गया है शोल्डर जॉइंट। अब मैं जो है नेक पे जो है एक स्ट्रिप लगाऊंगी व्यास की, ये वाली, इसे काट रखी है मैंने, इसे अब ऐसे बनाऊंगी और यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर दूंगी ऐसे ही। तो मैं ये बैक साइड से जो ओपन है यहाँ से लूँगी, स्टार्ट करूँगी लगाना। यहाँ जो है पट्टी लग गई है नेक की, और यहाँ से ये पट्टी मैंने बैक में से इसमें एक्स्ट्रा ले ली है नोट बनाने के लिए। अब ये आर्म होल रेडी कर, ये जो है मैं इसकी इस लेस को अपनी बाजू बनाने के लिए तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐसे डबल करके 2 पीसेस बना लिए हैं। ये मेरा 1 पीस है, इसे मैं
अपनी जो है टॉप की आर्म होल है यहाँ पे एज बाजू के रूप में यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं ऊपर की साइड रखूँगी, अप साइड यहाँ पे ऐसे मैं इसे अटैच कर दूँगी। लेकिन इससे पहले मैंने इसे इंटरलॉकिंग कर दिया है जिससे कि इसके धागे ना निकले यहाँ से। ऐसे रख के मैं इसे अटैच कर दूँगी यहाँ पे ऊपर की साइड से। ये जो है बाजू लग गई है और ये ऊपर की साइड मैंने इसे रखा है लेस को। अब मैं इसके जो है फाइनल स्टिचिंग कर लेती हूँ। इसमें यहाँ से मैं 4 इंच लेना है पर मैं 5 लूँगी क्योंकि मैंने इसे सीधी लगाई है इस बाजू को। यहाँ से जो बॉडी मेरा यहाँ से जो बस्ट और वेस्ट मेजरमेंट है उसे भी मैं ड्रॉ कर दूँगी। ड्रॉ कर देंगे यहाँ से नीचे तक मैं फिर इसे स्टिच कर दूँगी। ये मैंने इसमें जो है मेज़रमेंट अपना रेडी कर दिया है ड्रॉ करके। यहाँ से इतना मुझे गैपिंग पे स्टिचिंग देनी है यहाँ से ऊपर से नीचे तक। और फिर यहाँ से मेरा सिर्फ एक इसके बाद यहाँ से मेरा टॉप जो है फाइनल टचिंग पे आ जाएगा। ये जो डिज़ाइन मेरा बन टॉप का डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है बन के। ऐसे ही आप नीचे चाहे तो नीचे और भी बना सकते हैं ऐसी प्लेट्स में एक एक इंच की गैपिंग देके। यहाँ पे आप मोती लगा दें। मैं यहाँ पे ये जो है स्टोन इसे चिपकाऊंगी। इस तरह मेरा जो है टॉप रेडी हो गया है ऐसे। और यहाँ पे ये जो डोरी है इस पर आप छोटा सा मोती या कुछ लटकन हल्की सी बच्चे का है इसीलिए हल्की सी कोई छोटी सी जो लटकन है वो चिपका देंगे लगा देंगे अटैच कर देंगे। और इसमें यहाँ पे जो फिनिशिंग दे दूँगी। और ये टॉप मेरा रेडी हो गया है रेडी फॉर माय प्रिंसेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।